कुछ बर्ड्स ख़रीदने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में सरप्राइज़ कोशिश करूँगा कि दूँ। अभी नहीं बता सकता कि कौन से बर्ड्स लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बंदे से बात हो रही है, इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो यार सबसे पहले आज का व्लॉग देखे, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे तितर देखे माशाल्लाह, दो बच्चे और इसके साथ एक दखनी तितर भी मैंने छोड़ दिया। चलो मैंने बोला तीनों एक साथ घूमेंगे फिरेंगे तो सेट रहेंगे इंशाल्लाह। और काला तितर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, सही है। तो दोस्तों यार ये अभी तक कुरीज में, शायद इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो होता है अकेले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कल रात को दवाई डाल ली थी, ये पाउडर था। तो आज जो है सारे चुनटिया देखो कितनी ज़्यादा यार मर चुकी है। यार इसको मारना तो है गुनाह, लेकिन बट क्या करें, हमारी मजबूरी है। बॉक्स के अंदर जाते अंडे बच्चों को खा जाते, तो हमारी तो मजबूरी, वरना ये तो है गुनाह। तो दोस्तों ये वाली प्लास्टिक जो है वो अभी मैं उतार दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा अंधेरा किया हुआ है, कॉलोनी में पूरा अंधेरा है, ना बर्ड्स नज़र आ रहे होते और ना कुछ भी नहीं। देखो टोटो, ठीक है दोस्तों। वहाँ से मैंने जो कॉकटेल यहाँ पे शिफ्ट किए थे, ये भी यहीं पर है। और ग्रीन का फिशर भी मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था, लेकिन उसको मैंने वापसी दोबारा अपने केज में छोड़ दिया। क्यों? वो इस सुराख में से अभी निकल सकता है, क्योंकि उसका सर अभी छोटा है, वो बच्चा है ना। तो इससे से निकल के वो शुक्र है इस तरफ आया है, हमारे ये वाले कॉलोनी में आया। अगर बाहर जाता तो उड़ ही जाता। हाँ क्या हुआ हैं, क्या हुआ? लोरी लोरी क्या खा रही है हैं, गंदी बच्ची। और ब्लू मॉन्ग देखे माशाल्लाह। तो यार दोस्तों, एक दोस्त के साथ बात चल रही है इसी तरह का, एक उनके पास ग्रीन मोंग का एक पेड़ पड़ा हुआ है। तो वो ये तो ब्लू है मेरे पास, और ये वाला जो है ये हमारे पास क्रीमिनो का है, पीले कलर का येलो। तो एक इस केज में अगर उससे बात बन गई तो इस केज में ग्रीन वाला आ जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज यहाँ पे सफाई करूँगा अभी, ठीक है। यहाँ पे सफाई करके रात को फिर डालूँगा। और ये दीवार के बैक साइड भी मैंने रात को डाल दिया था, वहाँ भी ज़्यादा वो तबाही हो गई होगी इंशाल्लाह, वहाँ भी मर गए होंगे। क्यों यार, ये तो आपको पता है कि ये सारी चुनटियाँ जो है हमारे इस बॉक्सों में चले जाके, और इनके बच्चे भी इन लोगों ने मार दिए थे। और सिंध किनार देखे माशाल्लाह, ये बड़ा फ्रेंडली और बड़ा ही प्यारा पेयर है माशाल्लाह। देखे ये हमारा फ्रेंडली जोड़ा है, क्या हुआ? तो इनको सब को सुबह सुबह हम लोगों ने फ्रूट डाल दिया था, देख सकते हो सबको फ्रूट डाल दिया। और हाँ हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। और आपकी फ़ीमेल तो दोबारा से बॉक्स, जब से हम लोगों ने इसको लगाया इसकी फ़ीमेल तो बॉक्स के अंदर ही रहती है भाई, पता नहीं क्या बनेगा इनका। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा येलो रिंगनेक, इन लोगों को भी फ्रूट वगैरह डाल दिया था, और ये भी अंदर मज़े कर रहे भाई। ये वाला दोस्तों पेयर देखिए माशाल्लाह, ये भी ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जावा को माशाल्लाह देखिए, जावा का पेड़ भी हम लोगों ने यहीं पे लटकाया हुआ है। देखो दोस्तों, आज मैंने फैंसी वाले जो मुर्गा और मुर्गी है उसको भी आज आज़ाद कर दिया, ठीक है। बल्कि कल से आज़ाद है, शाम को मैंने कल शाम को इनको खोल के आज़ाद कर दिया था। और यहाँ पे ये वाला दरवाज़ा किसने बंद किया? आ जाओ तुम लोग, क्या कर रहे हो अंदर हैं? आज तो सारे अलग अलग घूम रहे हो, क्या वजह है? ब्लैकी की फीमेल बैठी हुई अभी यार, इसकी कोई पता नहीं बच्चे कब आएगी कब नहीं, दिन तो हो गए इसके। ये देखिए माशाल्लाह सब घूम रहे बाहर, उधर सब वहाँ पे गए हुए सब मुर्गे हमारे। तो दोस्तों इसके नीचे भी मैंने अंडे रख दिए, सही है। ये भी नीचे अपने अंडों पे बैठ गई, ये भी क्लुक हो गई थी हमारे पास, और ये दो तो क्लुक थी, इसको भी मैंने बिठाया था, और वाइट वाले को भी बिठाया हुआ है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनता है इंशाल्लाह। ये देखो ये क्लुक थी जिसके नीचे मैंने अभी अंडे रखे, और ये बैठ गई। तो ब्लैकी का मेल ये खड़ा है, और हमारे लाखे की जो फीमेल है उसने यहाँ पे अंडे बैठी हुई है, मतलब अभी अंडा दे दिया होगा या अभी दे रही होगी बस।
और दूसरा जो ब्लैकी का बच्चा है, और ये भी देखिए माशाल्लाह, ये भी देखिए ब्लैकी का बच्चा भी आज बाहर निकलकर अपने माँ के साथ बाहर घूम रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे तो एक के बजाय दो अंडे। अच्छा, ये एक बड़ी मुर्गी ने दिए, एक इसने छोटी वाली ने दे दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। दोस्तों, लाखे को मैंने दोबारा से, इसने पूरे पर और इसके जड़ गए ना, देखो दोबारा से पर आ रहे थे, लेकिन इसकी मादियाँ जो है ना वो इससे खा रही थी, पर ऊपर से निकाल निकाल के इससे निकाल रही थी, तो मैंने इसको फिर से अकेला कर दिया। इंशाल्लाह ये दोबारा से बिल्कुल फिट हो जाएगा, कुरीस मुकम्मल कर देगा, तो इसको मैंने अलग ही बंद कर दिया। देखिए बुलेट वो रहा, पिटी पिटी और बुलेट पिटी, वो रही वो रही वो रही, हाँ नीचे सोई हुई है। तो दोस्तों हिरन को भी कर देते आज़ाद, सही है, ये भी थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपने पाँव वाँव आज़ाद करेंगे। आ जाओ आओ आओ आओ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो। गए, अभी ये घूमेंगे फिरेंगे, छलांगे वलांगे मारेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। ये देखो हमारे कुछ पौधे लग चुके हैं और कुछ सूख गए बिल्कुल, पता नहीं क्या वजह यार। हमारे पास दोस्तों कोई मशवरा दो यार, इसमें क्या डाले, कोई इनका स्प्रे वगैरह आता है या क्या होता है कि इनको बंदा यार ये करे ना यार, कि सेट हो जाए जल्दी जल्दी, लग जाए छाँव वाँव बन जाए। और देखो हिरन जैसे ही खुलते, जैसे ही इनको खोलते तो ये पिंजरों में घूमते, इधर उधर दाने के पीछे घूम रहे होते, दाना वाना खा रहे होते। भाई इतना दाना आप लोगों के अच्छा नहीं है, जाओ खेलो आज है। ये देखो ये तो दिन ब दिन माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है अभी ये वाला। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से इसकी फीमेल जो ना, इसकी माँ, ये तितर की माँ जब से अंडों पे मैंने बिठाई है, तो ये अपने ये इसके साथ घूम रहा होता है, वाइट के साथ घूम रहा होता है, मेल के साथ, ये बच्चा इसके साथ अटैच है बहुत ज़्यादा ही। और दोस्तों देखो हमारी घर वाली जो पट्ठी पट्ठियाँ हैं घूम रहे, वो भी यहीं पे घूम रहे हैं यार। रात को हवा बड़ी तेज़ थी और मैं, यकीन करो ये पता नहीं गिरा कैसे, मेरे को ख़ुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये गिरा कैसा है। ये यहाँ पे एक बांस था, लेकिन ये खैर हटा, वैसे भी हटाने थे, तीनों हटाने थे, वो इसलिए हटाने थे यहाँ से कि यार देखो हम लोग यहाँ पे बना रहे मास्टर केज, ठीक है, तो मास्टर केज बन जाएगा तो यार हमारे एक बर्ड्स की तो सेफ्टी हो जाएगी, सही है, यहाँ पे विदाउट सेफ्टी लगा हुआ है, सही है। तो जब वो मास्टर केज यहाँ पे बनेगा तो अगर हमारे इसमें से कुछ बच्चे शचे निकलते हैं तो वो हम लोग बाहर भी छोड़ सकते हैं आज़ाद इसके अंदर, मास्टर केज के अंदर। तो यहाँ पर मास्टर केज बनाऊँगा और तुम लोग मशवरा देना कि यार मास्टर केज कैसे बनाऊँ यहाँ पर। तो दोस्तों वो अंदर इन पेयर का बच्चा था, सही है, ग्रीन फिशर का बच्चा था जो मैं अंदर लेकर गया था, और वो मैंने वापसी यहाँ पे छोड़ दिया अंदर बॉक्स के अंदर, ठीक है। वो अपने यार उस जाली में से निकल रहा था, और शुक्र हम लोग ये कर रहे हैं कि अंदर मास्टर केज की तरफ निकले, बाहर अगर निकलता तो आज नहीं होता, गायब होता। तो ये देखिए ये सब हमारे पेयर माशाल्लाह, इनको भी दाना पानी सबको हो चुका है, सफाई वफाई हो चुकी है, और इसकी फ़ीमेल देखिए माशाल्लाह अंडों पर बैठी है और मेल नीचे बैठा हुआ है। तो इसके अंदर वही दो बच्चे, सुबह मैंने चेक किया वही दो बच्चे, और फीमेल नीचे बैठी है, मेल अंदर बच्चों के पास बैठा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है हमारे लगे हुए अल्बिनो रेड आइज और ब्लू उसका मेल है। और यहाँ पे तो हमारे फिंच देखे, फिंच फिंच सारे बॉक्सों में जा रहे हैं माशाल्लाह, और देखते हैं कि क्या बनता है इनका। वैसे हमें ये नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन चलो डाल दिया, ये एक शौक का पूरा कर दिया कि फिंच और फिंच। ये देखो सारे बॉक्सों के अंदर अंदर घुस रहे। और यहाँ पे भी हमारे ग्रीन ओपलाइन माशाल्लाह, और यहाँ पे जो है वो ग्रीन ओपलाइन है माशाल्लाह। तो सब अपने ब्लू पसनाटा, ये लोटिनो हेड आइस का अंदर एक पेड़ लगा हुआ है हमारे पास, सही है, ये भी ग्रीन ओपलाइन का एक मेल है, और बाकी उसके साथ एक फिशर की मादी लगी हुई है। और यहाँ पे जो है वाइट ना, हाँ अल्बिनो स्प्लिट इनो का फीमेल और ब्लू पस्ताटा का मेल लगा हुआ है उसके साथ, से माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ा ग्रीन ओपलाइन और ब्लू पलेट की मादी इसके साथ माशाल्लाह। देखिए दोस्तों माशाल्लाह हमारा गोट फार्म देखे, बकरियाँ, लेला, मजलू, परी, काजल, गब्बर सब वहाँ पे, और ब्लैकी का मेल भी अंदर घूम रहा है, और काजल भी वो रही, और अजवा नज़र नहीं आ रही यार, अजवा अजवा कहाँ है, अजवा 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 फिर बाहर कहीं, वो मैंने आपको बताया ना कि वो अकेली अकेली घूमती है भाई, यहाँ पे भी नहीं है।
अरे हाँ, बोरी 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 ये बैठी है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, नहीं गंदी बच्ची है ही गंदी। हाँ चलो अंदर, चलो शाबा शाबा अंदर, चलो चलो चलो, अभी खाएगी गंदम। देखो दोस्तों, गंदम खाने में मसरूफ हो गए, गंदम खाने में मसरूफ। गंदम के बड़े शौकीन है माशाल्लाह यार, गंदम के तो ऐसे शौकीन है नहीं है, क्या बताऊं मैं। तो जी दोस्तों, हमारे तितर ने अंडा दे दिया माशाल्लाह। यहाँ पे भी ये पौधा लगाए हुआ, ये भी आगे से सूख रहा है, पता नहीं क्या वजह है यार। यार तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था ना कि यार देखो, आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, इससे क्या होता है कि यार हमारे को थोड़ा सपोर्ट मिलती है, सही है। दूसरी बात यह है कि यार मैं जा रहा हूँ अभी तोते लेने, सही है, कुछ बर्ड्स ख़रीदने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आप लोगों को अच्छा से अच्छा सरप्राइज़ कोशिश करूँगा कि दूँ। अभी नहीं बता सकता कि कौन से बर्ड्स लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बंदे से बात हो रही है, इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनता है। तो उनसे वो बर्ड्स लेके इंशाल्लाह फिर कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, उसकी डिटेल, उसका ब्रीड, उसका नस्ल, सब कुछ जो भी होगा ना, तो उसके साथ इंशाल्लाह करेंगे कल। तो कल का व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना, और अभी के लिए दो हमें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।